वही टोक में कांग्रेस प्रत्याशी हरीशचंद्र मीना के समर्थन पर सचिन पायलट ने सभा को संबोधित किया। सुबह नामांकन करने के बाद दोपहर के बाद सचिन पायलट सभा में पहुंचे। इस दौरान टोक और सवाई माधोपुर जिले के कांग्रेस विधायक और जिलाध्यक्ष समेत कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। सचिन पायलट ने मदन दिलावर के बयान को अशोभनीय बताते हुए कहा कि आचार संहिता चल रही है, जिम्मेदार पद पर बैठा है व्यक्ति ऐसा बोलता है तो निर्वाचन विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। टोक से कजोट गुर्जर की रिपोर्ट। जनता और कार्यकर्ता में जो स्नेह उत्साह है इसे देखकर मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि यहां पर इस बार जीत होगी और ऐतिहासिक होगी, क्योंकि भाजपा की सरकार 10 साल से केंद्र में है, सभी सांसद भाजपा के रहे और हर मोर्चे पर फेल रहे। जो वादा खिलाफी हुई है जनता उसका जवाब मांग रही है। राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनी, 3-4 महीने हो गए लेकिन कुछ काम करने में उनकी ना तो रुचि रही है और आपस में खींचतान में सरकार चल रही है, ना कोई दिशा है ना उनके कमिटमेंट्स हैं वादा पूरे करने के। इसलिए पब्लिक मन बना चुकी है कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस को हर जगह बहुमत मिलेगा और ये चुनाव निर्णायक है। जैसा मैंने कहा, ये चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। इस देश में जिस प्रकार की राजनीति हो रही है उसके विरोध में सब लोग सामने आ रहे हैं और टोंक माधवपुर के अंदर सभी नेताओं ने आज एकजुटता से फ्रंट लिया है कि हरीश मीणा जी को जिताकर दिल्ली भेजेंगे। और जो रिस्पांस हम लोगों को मिल रहा है और हर समाज हर जाति के लोग हर व्यक्ति समझता है कि एक कांग्रेस के जीतने से यहाँ पर संतुलित मामला आएगा और एनडीए का जो अहंकार है भाजपा का उसको भी जनता चाहती है कि उसका भी कहीं ना कहीं जवाब दिया जाए।